हम सड़क पर जब भी कोई एम्बुलेंस देखते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले यही ख्याल आता है कि उसमें बैठा हुआ मरीज काश सही सलामत हॉस्पिटल तक पहुंच जाए। कोई सोच भी नहीं सकता कि एम्बुलेंस का कोई इस तरह गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। नमस्कार, सावधान पंजाब फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राजन आपका स्वागत करता हूं। कौन था जिसको इतनी बेरहमी से एम्बुलेंस से बाहर धकेल दिया गया और फिर कुचल दिया गया? कौन था इस गुनाह के पीछे? इस खौफनाक हादसे के पीछे एक बहुत ही बड़ी और गहरी साजिश छुपी थी। जब इस साजिश से पर्दा उठा तो लोगों के लिए विश्वास कर पाना बेहद ही मुश्किल हो गया। क्या थी वो साजिश? आइए जानने के लिए देखते हैं पंजाब की अविश्वसनीय वारदात। बाय बड़ी, कैसी हो? ठीक है, बाय बाय। आगे तू? अरे पापा जी, तुसी तो कल आने वाले थे। तो तू इन अय्याशियों से बाज नहीं आएगा अपनी? हैं? इन्हीं अय्याशियों की वजह से वो माल सप्लाई करने नहीं गया तू? पापा जी, वो जरा जरूरी काम आ गया था, इस वास्ते मैं जा नहीं सका। अरे क्या जरूरी काम आ गया था? वो तेरी बहन की घर में तबीयत खराब है और तू अपनी अय्याशियां कर रहा है? और तेरे को अस्पताल में मैंने सुखपाल के साथ काम करने को कहा, तेरे को वो भी नहीं कर रहा? पापा जी, मैं अस्पताल में काम नहीं करूंगा, और वैसे भी सुखपाल ठीक बंदा नहीं लगता, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। भाई मैं तीन तीन चार चार दिन तक ट्रक चलाता हूँ, सड़कों में रहता हूँ, तू एक दिन घर पे रहकर अपनी बहन का ध्यान नहीं रख सकता? बेशरम। पापा जी, राजी की कोई गलती नहीं है। पुत्र, सुनी, तेरी अय्याशियों की वजह से इस बच्ची का यह हाल हो गया। जा सुपाल जी को बुला के ला जल्दी। पापा जी की कोई गलती नहीं है। हाँ पुत्र, हाँ। बैठ आराम से। सोनी पुत्र, पुत्र तू ठीक है ना? सुखपाल जी, सुखपाल जी, सुखपाल जी, सुखपाल जी, सुखपाल जी, सोनी की तबीयत खराब हो गई, जल्दी घर चलिए प्लीज। क्या? चलो। सोनी पुत्र, क्या हुआ दीदी जी? क्या हुआ बिटिया को? पता नहीं, अचानक बेहोश हो गई। सुखपाल जी, इसको अस्पताल में ले चलते। सुखपाल जी, जिस हॉस्पिटल में आप वार्ड बॉय हैं, वहीं ले चलते हैं, वहाँ आपकी जान पहचान होगी। हाँ जी, हाँ पापा जी, चलो वहीं ले चलते हैं। अजी यार, तुम फिक्र ना करो जी, चलो अपनी सोनी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पुत्र तुम फिक्र ना करो, उठ जा, उठ जा, आराम से आराम से। डॉक्टर साहब, नर्स, डॉक्टर साहब को जल्दी बुलाइए, हमारी बच्ची की तबीयत बहुत खराब है। सारे बेड फुल हैं यहाँ पे, और यहाँ रात को कोई डॉक्टर भी नहीं होता है, तो आप कल आइएगा। ऐसे मत बोलिए, दया कीजिए मेरी बच्ची। बोला ना आपने, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। जगजीत, तू घबरा मत, मैं देखता हूँ, आप आइए मेरे साथ प्लीज, आइए। पापा जी, सोनी को जगह मिल तो जाएगी ना? पता नहीं पुत्र, सुखपाल बात करने गया, घबरा ना, ठीक हो जाएगी। जगजीत, यार सारी नर्से एक सी होती हैं, वो थोड़ा सा मनाना पड़ता है। ओ तू घबरा मत, मैंने बात कर ली है, टेंशन मत ले, मैं हूं ना। अच्छा, आप आइए मेरे साथ। हाँ हाँ जी, हाँ जी, आओ राजी, आओ। पापा चलिए, आओ बैठो। अच्छा आइए सर। पापा आराम से, पापा उतर ध्यान से, इसे यहाँ लेटा दीजिए जी। आप उतर ध्यान से, उतर। दो दिन से इसके पेट में दर्द था, आज अचानक चक्कर खा के गिर गई।
डॉक्टर साहब हुआ क्या मेरी सोनी को? डॉक्टर साहब कुछ तो बोलिए। डॉक्टर साहब बताएंगे मेरी बच्ची को क्या हुआ? देखिए आप सब लोग बाहर जाइए, यहाँ भीड़ मत बढ़ाइए। मैं एग्जामिन कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग जाइए। चलो बाबा। डॉक्टर साहब सोनी ठीक तो हो जाएगी ना? इंजेक्शन लग रहा। इंजेक्शन? सर इसे तो सिर्फ पेट में दर्द है ना। डॉक्टर मैं हूं कि तुम? जितना तुमसे कहा जाए करो। जी सर। उसकी तबीयत ठीक है। घबराने की कोई बात तो नहीं डॉक्टर साहब? जी नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। सोनी, सोनी। डॉक्टर साहब सोनी की तो आंखें नहीं खुल रही। जी हाँ, क्योंकि अभी मैंने उसे पेनकिलर का इंजेक्शन दिया हुआ है, हैवी डोज है, इसके लिए कल सुबह ही उसकी आंख खुलेगी, पर आप निश्चिंत रहिए। डॉक्टर साहब आपकी फीस कितनी? मामूली सी बात थी, क्योंकि आप सुखपाल के पड़ोसी हैं, इसलिए इस बार मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लूंगा। ठीक है? ओए जगजीत, मैंने कहा था ना, अरे अपनी सोनी कल सुबह तक फिर से खेलने कूदने लगेगी, तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ चल देखते हैं। सोनी पुत्र, सोनी पुत्र कैसी तबीयत है तेरी? पापा जी सिर में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पापा जी मुझे पता था, उस डॉक्टर ने ये भी नहीं बताया कि आखिर सोनी को बीमारी क्या हुई है और किस बात का इंजेक्शन दे दिया, और ये अस्पताल वाले ढंग से बात भी नहीं करते। तू अपनी बकवास बंद कर, तेरे को कोई अच्छी बात तो आती नहीं ना, तू अपना मुंह बंद ही रखा कर, सबको अपने ढंग से समझता है। पुत्र दरअसल तुमने कुछ खाया पिया नहीं है ना, इसलिए शायद तेरे को चक्कर आ रहे होंगे। अब तेरे पापा जी तेरे लिए बढ़िया सा नाश्ता बनाएंगे, तू हाथ मुंह धो ले, ठीक है? सोनी, 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 पापा जी, सोनी बेहोश हो गई, पापा जी, सोनी, सोनी, पुत्र, पुत्र क्यों है? इसको अस्पताल लेके चलते हैं, तो सुखपाल को जाके बुला, जल्दी, जल्दी जा, पुत्र, पुत्र, गाड़ी सर वो ट्रक वाला अपनी बेटी के साथ आया है, लगता है उसकी बेटी दोबारा से बेहोश हो गई है। ठीक है, उनको मेरे केबिन में बुलाओ। जी सर। मैं बोल रहा हूं। पापा सोनी का बैग भी लिटा दीजिए प्लीज। सब सुबह तक तो ये ठीक ठाक थी, फिर अचानक बेहोश हो गई। हो सकता है इसे गैस्ट्रिक अल्सर हो। गैस्ट्रिक अल्सर? लेकिन डॉक्टर साहब ये तो सिर्फ 14 साल की है, और इस उम्र में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम? इसकी उम्र के बारे में मुझे पता है। देखिए कुछ दिनों में इसे ऑब्जर्वेशन बोर्ड में भर्ती करना होगा। डॉक्टर साहब
मेरी सोनी ठीक तो हो जाएगी ना? घबराइए मत, आप लोग रिसेप्शन पर जाइए और फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। जी डॉक्टर साहब। तब तक मैं इसे एग्जामिन करता हूँ। पापा चलिए। जाइए। जी मुझे तो लग रहा है ये लोग हमें लूट रहे हैं, और तो और मैंने पेपर में ही पढ़ा था कि ये नए नए बहाने बनाकर बस पैसे हटने का काम जानते हैं। अब बकवास बंद कर तू। पापा जी सोनी मेरी भी बहन है, मुझे भी उसकी फिक्र है, और मुझे लग रहा है कि सुखपाल की भी तो इसमें कमीशन नहीं है। पापा जी सोनी को हम किसी और अस्पताल ले चलते प्लीज। अगर सुखपाल नहीं होता ना तो और मरीजों की तरह यहाँ उसको जगह नहीं मिलती, और सोनी की आज जो भी हालत है उसका जिम्मेदार तू है। तेरे जैसी औलाद होने से अच्छा है कि नाम जी सोनी सिंह। डॉक्टर कौन है जी? मिगलानी जी है। रूम कौन सा है? 212। 212। एक मिनट। हाँ जी रिसेप्शन से बोल रही हूँ। ओह ओटी के पेशेंट है। ठीक है अभी करती हूँ। अच्छा आप ओटी के पेशेंट है, आपका पेमेंट हुआ है 5,000 रुपये। 5,000? मैडम जी रसीद तो दे दीजिए। सर बिल रसीद तो डिस्चार्ज होंगे तब मिल जाएंगे। ठीक है जी। आप सभी के जहन में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे। सवाल इस इलाज में छूट का नहीं, सवाल ये है कि इस छूट के बारे में जगजीत और हरदीप को बताया क्यों नहीं गया। सवाल ये नहीं कि उनसे दवाइयां मंगवाई जा रही थी, सवाल ये है कि उन्हें इस खर्चे की रसीद क्यों नहीं दी गई। हो सकता है इस परिवार को सारी सुविधाएं सुखपाल की वजह से मिल रही थी, लेकिन इसके पीछे की असल कहानी क्या थी, सवाल ये है कि इस डॉक्टर की नीयत क्या थी। आइए देखते हैं। पापा आज तो मैं डॉक्टर से पूछ के रहूंगा। सर ये आपका रूम नहीं है, आपका पेशेंट 12 नंबर रूम में है, आप जाइए। डॉक्टर साहब सोनी ठीक तो हो रही है ना? डॉक्टर साहब आपने तो कहा था कि सोनी को जल्दी डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन पूरे 3 दिन हो चुके हैं। देखिए हम इसे तब तक डिस्चार्ज नहीं कर सकते जब तक ये पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, समझे? डॉक्टर साहब आप इसकी बात का बुरा मत मानिए। देखिए हमें कोई जल्दी नहीं है, बस मेरी बच्ची ठीक होनी चाहिए, हमें बस यही चाहिए। मैं एक बात बता, तेरे को क्या जरूरत थी बीच में बोलने की? हैं? डॉक्टर है वो, अगर वो नाराज हो जाता तो हमारी सोनी का क्या होता? पापा जी वैसे भी इस डॉक्टर ने क्या कर लिया, सोनी की तबीयत ठीक हो गई क्या? ये हॉस्पिटल ही मनुष्य है। तेरे को पता है वहां कमरे में और कौन था? अमरपाल गिल, इतना बड़ा बिजनेसमैन है वो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का राजा है पंजाब का। इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पर इलाज कराने आते हैं, अकल है नहीं, बोलेगा जरूर। चल हमारे समाज में डॉक्टर्स को बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया जाता है, और क्यों नहीं, किसी को जिंदगी देने से ज्यादा नेक काम और हो भी क्या सकता है। लेकिन किसी पर आंख बंद करके भरोसा भी तो नहीं किया जाता। जहां सब लोग बिना कोई सवाल पूछे डॉक्टर के आदेश का पालन कर रहे थे, वहीं हरदीप उनसे पूरी तरह सहमत नहीं था। वो अपनी बहन की हालत को लेकर बेहद चिंतित था। आखिर सवाल उसकी बहन की जिंदगी का जो था। उस हॉस्पिटल में सोनी के साथ संदेशपद घटनाएं हो रही थी, क्या हरदीप का शक करना सही था?
आखिर क्या हो रहा था उस हॉस्पिटल में? अजी क्या बताऊं, बहुत बुरा वक्त चल रहा है। दरअसल मेरी बेटी सोनी की तबीयत खराब है, 3 दिन से ट्रक ही नहीं चलाया पाजी। अजी जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं कोई भी डिलीवरी ऑर्डर नहीं ले सकता। माफ करना पाजी, सत श्री अकाल। अजी मैंने कह दिया ना मैं डिलीवरी ऑर्डर नहीं ले सकता अभी। हेलो कौन? डॉक्टर साहब? हाँ जी बोलो। है अच्छा पापा जी क्या हुआ? पुत्र चल। नर्स मेरी बेटी का? उनको तो आईसीयू में लेके गए। क्या हुआ सोनी को? सोनी की तबीयत अचानक से खराब हो गई, पता नहीं क्या हो गया उसको। डॉक्टर बार बार चेकअप कर रहे हैं। ऐसे कैसे? सिस्टर डॉक्टर साहब आप तो कह रहे थे मेरी बच्ची जल्दी ठीक हो जाएगी, फिर अचानक ये सब क्या हो गया? आपको हिम्मत रखनी होगी, इंटरनल ब्लीडिंग काफी ज्यादा है, मुझे डर है कहीं हमें उसका ऑपरेशन करना पड़े। डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं आप? डॉक्टर साहब ऑपरेशन? डॉक्टर साहब ऑपरेशन में खर्चा कितना आएगा? 40,000 रुपए के आसपास। आप पैसों का बंदोबस्त कीजिए जल्दी, आपके पास वक्त कम है। डॉक्टर साहब एकदम इतने सारे पैसे ये कैसे हो सकते? डॉक्टर साहब आप पैसे की चिंता ना करो, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, चाहे उसके लिए मेरे को अपना ट्रक बेचना पड़े, लेकिन मेरी बच्ची को कुछ होना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब पापा जी अगर थोड़ा टाइम हो तो किसी और डॉक्टर से भी दिखवा लेते। देखिए मैं आपके हालात समझ सकता हूँ, क्योंकि सुखपाल आपको जानता है, मैं बस इतना कर सकता हूँ कि यहाँ के मैनेजमेंट से बात करके आपको हर महीने 5,000 रुपये की किस्त बंधवा सकता हूँ, ताकि आपको आपका ट्रक बेचना ना पड़े। और अगर फिर भी आपको दूसरे अस्पताल जाना है आपकी मर्जी। मेरी बच्ची को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब कुछ भी कीजिए आप, सोनी को बचा लीजिए हमारी। डॉक्टर सोनी कैसी है तू? ठीक हूँ पापा। पुत्र तू बिल्कुल ठीक हो जाए। बेहतर है पहले से, अब कोई डर नहीं, बस 2-4 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे। आप अब घर जाइए और थोड़ा आराम कीजिए। नहीं डॉक्टर साहब मैं अपनी बेटी को घर लेके ही जाऊंगा, मेरी सोनी मेरे साथ ही घर जाएगी। ठीक है कटरी घर चलेंगे। ये कुछ दवाइयां हैं मंगवा दीजिए।
क्या कर रहा है तू? अब तू ये ट्रक के पार्ट्स बेच के याचिका करेगा है? नहीं पापा जी, वो मेडिकल बक्सों की डिलीवरी का ऑर्डर दोबारा लिया था, बस एक बार सामान पहुंचा दूं, एक दिन में वापस आ जाऊंगा। पापा जी आप भी ना सेंटी हो गए एकदम। पापा जी सिर्फ टेम्परेरी जॉब कर रहा हूँ मैं, एक बार अस्पताल की किस्त पूरी हो जाए उसके बाद ये सब नहीं करने वाला। ज्यादा उम्मीद मत रखना आप मुझसे। फिर क्या तू कनाडा चला जाएगा पुत्र? नहीं पापा जी। अरे छोटू जल्दी जल्दी लगा ले बॉक्स। अरे हरदीप बेटा कैसा है, और पापा कैसे हैं, और तुम्हारी बहन कैसी है, उसकी तबीयत ठीक हुई कि नहीं? हाँ उसे अल्सर था, बट पाजी अब सब भला चंगा है, बस वाहेगुरु की मेहर। सब पाजी वैसे आपको दवाइयों की तो बहुत नॉलेज है, आपको पता है ये अल्सर की बीमारी के लिए करीबन करीबन कितने रुपए खर्च होते होंगे? करीब 60-70 हज़ार रुपये करीब लग जाएंगे। पाजी जरा एक बात बताइए, इन दवाइयों की कीमत कितनी होगी? ये क्या है, ये तो कोई साधारण पर्ची है, डॉक्टर की पर्ची का है? नहीं नहीं पाजी, यही तो हमें डॉक्टर ने दी थी। पर तो तू कह रहा है कि तेरी बहन को अल्सर की बीमारी है, इसमें सारे दवा किडनी के लिखे हुए हैं। किडनी के? पाजी आप जरा सही से देखिए। अरे बेटा मुझे लाइन में 20 साल हो गए, मैं नाम पढ़ के बता सकता हूँ कौन सी बीमारी की दवा है। हेलो सुखपाल जी, मैंने उन दवाइयों को पता लगाया जो डॉक्टर ने सोनी को दी थी। वो दवाई तो किडनी की है ना कि अल्सर की। पाल जी ये सब क्या हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। देख तू घबरा मत है? देख जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। फिर भी तू कहता है तो मैं खुद डॉक्टर के पास जाके बात करता हूँ। पर आखिर इतना बड़ा डॉक्टर है, ऐसी गलती थोड़ी ना कर सकता है। सुखपाल जी देखिए, इसमें मेरी बहन का सेहत का सवाल है, आप बस प्लीज मुझे पूछ के बताइए। ठीक है मैं डॉक्टर से बात करके तुझे फोन करता हूँ। पाजी मैं चलता हूँ, मुझे घर जाना होगा। पर बेटे लोडिंग तो करा के जा। पाजी मेरी बहन का सवाल है, उसे गलत दवाई दी जा रही है, प्लीज मैं घर चलता हूँ। हेलो पापा जी, मुझे पता चला है कि सोनी की दवाइयाँ गलत है। हेलो पापा जी, हेलो हेलो पापा जी, पापा जी मुझे सोनी की दवाई के बारे में कुछ पता चला है। तेरा अच्छा हो गया तू आ गया, सोनी सुबह से घर नहीं आई है। क्या? हाँ वो सुखपाल के साथ अस्पताल गई थी, उसके बाद से लौटी नहीं है। सुखपाल के घर पे ताला लगा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, मैं तो अस्पताल जा रहा था पुत्र। पापा जी एक मिनट, सुखपाल के साथ कितने बजे गई थी वो? पुत्र कोई 10-11 बजे। 10-11 बजे? हेलो सुखपाल जी, मैंने उन दवाइयों को पता लगाया जो डॉक्टर ने सोनी को दी थी। वो दवाई तो किडनी की है ना कि अल्सर की। सुखपाल जी ये सब क्या हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। देख तू घबरा मत है? देख जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। फिर भी तू कहता है तो मैं खुद डॉक्टर के पास जाके बात करता हूँ। अरे आखिर इतना बड़ा डॉक्टर है, ऐसी गलती थोड़ी ना कर सकता है। सुखपाल जी देखिए, इसमें मेरी बहन का सेहत का सवाल है, आप बस प्लीज मुझे पूछ के बताइए। ठीक है मैं डॉक्टर से बात करके तुझे फोन करता हूँ। पापा जी आपने सुखपाल के साथ सोनी को क्यों जाने दिया? तब तू ट्रक लेके चला गया था तो मैं घर पे खाली बैठा था, मैंने सोचा किसी की गड्डी चला के कुछ दो रुपए की कमाई कर लूंगा, लेकिन मेरे को थोड़ी पता था। कमाल करते हैं पापा जी आप, मुझे सुखपाल पे पहले से भरोसा नहीं था, आप मेरे साथ अस्पताल चलिए। चल पुत्र। मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, वो सुखपाल के साथ यहाँ पालती। क्या बोले जा रहे हैं आप, कौन बेटी, किसकी बेटी? अरे मेरी बेटी सोनी। देखिए आप लोग, मैं कह रही हूँ आपसे, यहाँ कोई सोनी नहीं है। 5 दिन पहले उसको यहाँ एडमिट करवाया था, आपके सामने उसका अल्सर का इलाज चल रहा था, आप थी ना वहाँ पर। एक मिनट, यहाँ पे कोई सोनी नाम की लड़की एडमिट नहीं हुई है, समझे आप? क्या बात कर रही हैं? अरे ये क्या नाटक लगा के रखा हुआ है, आप डॉक्टर साहब को बोलेंगे प्लीज। डॉक्टर साहब बिजी हैं और वो नहीं आ सकते, समझे आप लोग? अरे क्यों नहीं आ सकते, मेरी बेटी गायब हो गई है,
हद कर रहे हैं आप लोग। पापा जी ये झूठ बोल रही है, मैंने डॉक्टर साहब को अभी केबिन में देखा था। आप डॉक्टर साहब को बुलाइए प्लीज। आप बोलती क्यों नहीं है? आप मुझे बताइए मेरी बेटी किधर है? गार्ड, अरे आप कौन खड़ा मारेगा? निकलो। अरे क्या निकलो? क्यों निकलो? क्या क्या निकलो? मेरी बेटी है। क्या क्या निकलो? सर, हमारा पड़ोसी सुखपाल हमें यहाँ लेकर आया था, उसी ने मेरी बेटी सोनी को यहाँ एडमिट करवाया था। कहाँ है इनकी बेटी सोनी? सर यहाँ सोनी नाम की कोई पेशेंट नहीं है, आप चाहें तो रजिस्टर चेक कर लीजिए। आपके पास हॉस्पिटल की कोई रसीद या कोई प्रिस्क्रिप्शन है? जी वो सर, हमने इनसे रसीद मांगी थी मगर इन्होंने दी नहीं। जब सोनी नाम की कोई पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट ही नहीं, तो हम रसीद कहाँ से देते हैं लोगों को? और सर, ये जिस आदमी की बात कर रहे हैं, उस नाम का आदमी हमारे हॉस्पिटल में काम ही नहीं करता है। ये सब हॉस्पिटल से पैसे ठगने के बहाने हैं इनके। क्या बकवास कर रही हैं आप? क्या पता खुद ही अपनी बेटी को कहीं बेच आए हो। देखिए मैडम, ढंग से बात कीजिए वरना मुझसे बोला कोई नहीं होगा। देखिए आप लोग चिल्ला नहीं सकते। सॉरी सर। और हाँ, अगली बार कोई सबूत हो तभी पुलिस स्टेशन आइएगा। अब चलिए यहाँ से। पापा जी, इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी। अब चलिए। कोई इंसान अपने आप गायब कैसे हो सकता है, वो भी एक हॉस्पिटल से? आखिर कौन था इसके पीछे? क्या सोनी की जान खतरे में थी? जगजीत और हरदीप के लिए इन सवालों के जवाब ढूंढना बेहद जरूरी था। पापा जी आप परेशान मत होइए, मैंने सुखपाल का पता निकाल लिया है। उसका परिवार भटिंडा में रहता है, बस एक ही दिन का रास्ता है, हम अभी निकल चलते हैं। तो सारी गलती मेरी है, मेरे को तेरी बात पहले ही मान लेनी चाहिए थी, और सुखपाल पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। पापा जी आप घबराइए मत, हम जल्दी सोनी को ढूंढ निकालेंगे। हाँ पुत्र, चल चलते हैं। ये सुखपाल जी कहाँ हैं? आपको पता नहीं है, उनकी तो मौत हो चुकी है। क्या बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, आज सुबह ही उनकी लाश उपली गांव के बाहर पड़ी मिली। इंस्पेक्टर, एक मेरी मेरी बेटी कहाँ? कौन है आप? मैं जगजीत सिंह, मेरी बेटी सोनी वो सुखपाल के साथ अस्पताल में गई थी, कहाँ है वो? देखिए हमें नहीं पता आपकी बेटी कहाँ है, आज सुबह ही एक चाय वाले को सुखपाल की लाश मिली है। क्या चाय वाला? अंकल जी क्या आप बता सकते हैं जहाँ पर आपने वो बॉडी देखी थी वहाँ पे और कुछ आपने देखा? दरअसल मैं घर जा रहा था, मैंने देखा कुछ पड़ा हुआ है, पास जाके देखा तो एक आदमी पड़ा हुआ है। क्या आपने उस आदमी के साथ कोई छोटी सी लड़की देखी थी? लड़की नहीं जी, 11 साल की मेरी बेटी सोनी, उसको देखा आपने? लड़की को तो नहीं देखा, हाँ लेकिन वही कुछ कह रहा था भाग जा सोनी, तुझे मार डालेंगे सोनी, भाग जा बेटा, भाग जा सोनी। सोनी भाग, ऐसा कुछ कह रहा। पहले तो मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन अब जब आपने नाम लिया तो अब मैं समझ गया। चल इतनी बड़ी जगह है, हम सोनी को ढूंढे के कहां गई होगी वो? तर कुछ तो बोल, कहां गई होगी सोनी? पापा जी अगर सुखपाल ने सोनी को भागने के लिए कहा था तो इसका मतलब वो सोनी को बचाना चाहता था, अगर वो गलत होता तो वो मरता क्यों? हाँ पुत्र, लेकिन अब ये बात तो सोनी ही बता सकती है ना,
पता नहीं ये सब क्या चल रहा है। मेरी बच्ची रब्बा। पापा जो कुछ भी हुआ है ना इस गांव के आसपास हुआ है या फिर अस्पताल के आसपास, और सोनी जाएगी तो जाएगी कहां? अगर तो सोनी ऐसे भाग के गई होगी तो हो सकता है वो घर गई हो। हाँ पापा जी शायद वो घर ही गई होगी, लेकिन हम तो कितने समय से घर ही नहीं गए। चल पता मिली तू? देखो मेरे पास नहीं आना, मेरे पास नहीं आना, पापा, नहीं, छोड़ दो, मुझे, चल जल्दी लेके, पापा, छोड़ दो, ना मत कर, चल, छोड़ दो, लेके चली से जल्दी, चली से, छोड़ दो, मुझे जाने दो, नहीं, छोड़ दो, जल्दी, जल्दी, मुझे पापा के पास जाना है, छोड़ो मुझे, एकदम चुप, छोड़ो। पापा जी घटी बोलिए। पापा जी वो जा रही है एम्बुलेंस, पापा जी जल्दी करिए। मुझे पापा के पास जाना है, मुझे चलो। अरे चुप बैठ जा मत कर। अरे जल्दी चल। अरे जल्दी चल यार। रब की कसम मैं एक एक को छड्डूंगा नहीं। पापा के पास जाना है। छोड़ो। अरे जल्दी चला यार। छोड़ दो मुझे जाना है। बंद कर इसका मुंह। रब्बा मेरी बच्ची को बचा ले। छोड़ दो मुझे। चुप। जल्दी करो ट्रक में जा रही है। हमने कुछ नहीं किया साहब, वो डॉक्टर साहब किडनी बेचते थे साहब, पर कभी ऐसा नहीं हुआ, आज पहली बार। डॉक्टर और नर्स ने क्यों नहीं पूछे थे साहब? ये नर्स कहाँ है? ये रही नर्स। बोल सच क्या है?
हमें माफ कर देता, हम लोग को तो एक किडनी बेचा था, सिर्फ एक किडनी, बच्ची थी ना इसलिए। और ये तो हम हमेशा करते थे, जब भी कोई गरीब परिवार के लोग आते थे तो डॉक्टर साहब ऐसे इंजेक्शन देते थे कि वो मरीज बार बार बीमार पड़ता था। और सर वो ट्रक वाला अपनी बेटी के साथ आया है, लगता है उसकी बेटी दोबारा से बेहोश हो गई है। ठीक है, उनको मेरे केबिन में बुलाओ। जी सर। मैं बोल रहा हूँ, किसी को किडनी की जरूरत है? अमीर लोगों को किडनी बेचकर बहुत अच्छा पैसा कमाते थे। देख लीजिए, 10 लाख से 1 रुपया कम नहीं लूंगा इस किडनी के, सिर्फ 14 साल की है लड़की। अगर किसी को कुछ पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे इस फील्ड के महारथी है हम, महारथी। बस पैसों की चिंता कीजिए, बाकी यहाँ का सब मैं संभाल लूंगा। और फिर शुरू हो जाता था डॉक्टर साहब का ऑपरेशन का नाटक। सर ये आपका रूम नहीं है, आपका पेशेंट 12 नंबर रूम है, आप जाइए। सब कुछ सही भी जा रहा था, अगर वो सुखपाल बीच में नहीं आता तो सब गड़बड़ कर दी उसने। सिस्टर, मेरी अभी भी इसके भाई से बात हुई है, उसका कहना है कि इसको गलत दवाइयां दी जा रही हैं। गलत दवाइयां? रुको एक मिनट, मैं पूछ लेती हूँ डॉक्टर साहब से, तुम ही रुको। सर वो सुखपाल, उसे शक हो गया है। क्या डॉक्टर साहब वो गलत दवाइयां? देखो मैं एक इमरजेंसी केस देखने जा रहा हूँ, तुम भी साथ में चलो, रास्ते में सारी बात समझो। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, तुम चलो। डॉक्टर साहब लेकिन सुखपाल बहुत समझदार था। डॉक्टर साहब आप सुखपाल, जबकि तुम हमारी सच्चाई जान चुके हो, तुम्हारा खेल खत्म, तुम्हें मरना होगा। मरना होगा? ये क्या बकवास कर रहे हैं डॉक्टर? पकड़ो इसे। आप आसानी कर सकते? पकड़ो। मैं छोड़ूंगा नहीं। भाग जा बेटा सोनी। भाग जा सोनी। भाग जा सोनी। कुछ नहीं करेंगे तेरे को। भाग जा। पकड़ो इसे। भाग सोनी। कुछ नहीं होगा तुझे। अरे लड़की को छोड़ो, पहले सुखपाल को खत्म करो, लड़की तो हम बाद में भी पकड़ लेंगे। भाग जा सोनी। भाग जा तुम। भाग जा बेटा। ये रहा सर डॉक्टर। छोड़ो। केस छोड़ के भागने की प्लानिंग कर रहा था। मुझे क्यों पकड़ के लाया? मैं तुम्हारे सीनियर्स को कंप्लेंट करूंगा। तेरे कंप्लेंट की तो ऐसी की तैसी। इंस्पेक्टर साहब, इन दरिंदों को कड़े से कड़ी सजा दिलवाइएगा, वरना डॉक्टर्स के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, इनको सजा जरूर मिलेगी। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। पुत्र बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं पापा, मैं एक किडनी में भी जी सकती हूँ। अरे पगली, कौन कह रहा है कि तेरे पास एक किडनी है? तेरा भाई अभी जिंदा है, मेरी किडनी भी तेरी है। हमारे समाज में डॉक्टर्स को भगवान माना जाता है, क्योंकि हमारा इलाज करके वो एक तरीके से हमें नई जिंदगी देते हैं। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने प्रोफेशन को बदनाम करते हैं, एक पल के लिए भी नहीं सोचते कि चंद पैसों के लिए वो कितनी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। लेकिन क्रिमिनल्स हर प्रोफेशन हर माहौल में होते हैं, उनके साथ वही सलूक होना चाहिए जो एक क्रिमिनल के साथ होता है।
ताकि और लोगों को सबक मिल सके। हमारे परिवार में जब कोई बीमार होता है तो ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल वक्त होता है। हमारी आपसे यही दरख्वास्त है कि किसी भी इलाज या ऑपरेशन के वक्त इलाज की पूरी जानकारी रखें और जरूरत पड़े तो दूसरे डॉक्टर की राय भी लें। डॉक्टर एस मिगलानी और उसके साथियों को द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994 की धारा 18, 19, 19 से और 20 के तहत अंग विक्रय के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाई गई और 1 करोड़ का जुर्माना भरना पड़ा। साथ ही डॉक्टर मिगलानी का मेडिकल प्रैक्टिस लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। डॉक्टर मिगलानी के आदमी विकास और रोहित, जिन्होंने सुखपाल की हत्या की थी, उन्हें भी धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पंजाब के क्रिमिनल्स को कानून के हवाले करने के लिए हम सभी पंजाब वासियों को एकजुट होना होगा ताकि पंजाब एक क्राइम फ्री स्टेट बन सके। और ये हमें अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राजन आप सबसे विदा लेता हूं। पंजाब में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान पंजाब, फाइट बैक नाउ।